पूरी मेमोरी मैंने आउट कर दी, वो लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दिल्ली का जो जीवन था वो बिजी लाइफ, क्योंकि हमें वहाँ पे मतलब 24 आवर वर्क करना है, उसके साथ साथ हम फैमिली के लिए भी कोई समय नहीं दे पाते। एवरी टाइम बस वर्किंग 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 वर्किंग। Then suddenly my father was expired, so I have lot of responsibility came घर के साइड से ना। फिर उसके बाद एक दो साल फिर ऐसे ही रहा, चलते रहा, बट यहाँ कुछ नहीं हो पाया, एडजस्ट नहीं हो पाया। मैं उधर हूँ फिर फैमिलीज यहाँ हैं, तो इसलिए एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो मैंने डिसाइड करा कि फैमिली के साथ साथ अपने को भी समय देना चाहिए, फिर देखते हैं, आई होप सो आगे अच्छा होगा। मेरा नाम मकर सिंह है, मैं लगभग 32 साल का हूँ। ये मेरा ग्वाड़ का घर है, यहाँ हम सर्वे में रहते हैं, शायद 6 महीने करीब। मेरी सारी फैमिली यहीं रहती है, ये मेरे सारे गोट्स बफेलोज एंड काउ बुल्स सब यहीं रहते हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे एक लड़का 2 लड़कियाँ हैं। प्रियांश वो अभी सिलोंग में रहता है, वो लोग कहते हैं उनके वहाँ। जनरली हमारे यहाँ के लोग 3 जगह माइग्रेट करते हैं, हम लोग सिर्फ 2 ही घर में रहते हैं। फसल फुसल काटने के लिए आते हैं गांव में भी, ऐसे ही गोबर करना या तो ये खेती बाड़ी करने के लिए ना। सेवन एंड 8 मंथ हम यहाँ रहते हैं। ये मेरे बड़े भाई लोगों का घर है, ताऊ जी के लड़के थे मेरे। फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, अगर फार्मिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमें कुछ नहीं होगा। इस महीने में अभी काम ये आलू बोने हैं, ये धान झंगरा जो भी होता है ना। ये घास घूस और लकड़ियाँ लेते हैं जंगल से। चलो ऐसे काम होता है, गोबर निकालना घास घूस लाना। अब 1-2 महीने बाद फसल काटते हैं ना, ये गेहूँ जो होता है ना, उस फसल को काट के तब घर पे ले आते हैं। हमें यहाँ पर अर्निंग सोर्सेज बहुत कम है, कोई भी जैसे कंपनीज कोई कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज
अगर गवर्नमेंट्स के कोई पोस्ट क्रिएट करती थी तो मोस्टली 3-4% होते थे उसके गेस्ट, लेकिन अब मोर देन 1000 इतना तो है। सो हर जगह कंपटीशन हो गया, कंपटीशन इतना हाई हो गया कि वो जो मतलब तैयारी करेगा वही आगे निकल पाएगा। छोटे मोटे शॉप खोल सकते हैं अपना, बस बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यह मार्केट ही उतनी बड़ी नहीं है, बाकी तो हर लोगों की बस के नहीं, तो इसीलिए वो अनएम्प्लॉय अपने आप हो गए। जनरली हमारा वर्क है फार्मिंग, बट उसके साइड वर्क जैसे मनरेगा वर्क हुआ, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क, मैंने प्लास्टर पर लिखना बाहर से राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति हाउस, कोई जैसे म्यूल हुआ, कोई शॉप अपना हो। कोई टेलरिंग, जैसे मेरे जैसे कोई टीचिंग करता है। यंगेस्ट है वो आर्मी में है, फिर कोई बाहर है जो प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई अदर स्टेट। He's my father. Father, mother, me, my wife. It's memory, Nadi. Because this person not with us. अगर हम सोचते हैं हमारे जो पेरेंट्स की उन्होंने पीछे छोड़ के गए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, जो जो क्रिएट करना है हमको खुद करना है। फैमिली की लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको हमको पूरा करना ही है। बस खेती करता हूँ, हल लगाता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, बस कभी कभी अगर कोई अच्छे अगर फॉर्म हमारे टाइप के होंगे तो उसको फिलअप करते हैं, फिर अभी स्टिल अपनी स्टडी भी चल रही है, एम ए कर रहा हूँ अभी, तो ये मेरा फाइनल ईयर है, इसके बाद बी एड का एंट्रेंस दूंगा अभी। हम भी ठीक एजुकेटेड होंगे तो शायद हम भी जॉब करें, अगर वो हम अनलिटरेट होंगे तो सोचो हम बस यहीं के मैंने यहीं तक रहेंगे, अदरवाइज बॉर्न एंड आफ्टर डाई इट्स, उसके अलावा हम आगे कुछ नहीं सोच सकते। उस समय कहाँ पढ़ाई, खाली किसने बोला बकरी चुगा, किसने बोला गाय चुगा, किसने बोला इधर जाए, किसने बोला उधर जाए। अब कुछ सालों से ये पढ़ाई करने के लिए लोग ने क्या, बाकी है भी तो ऐसे ही। अब ये तो आपको इतने साल हो गए, सभी जानकारी होगी कि क्या क्या होता है यहाँ, क्या नहीं होता। तो यहाँ से हम बकरी लाद के ले जाते ऊपर होती तक, भेड़ बकरी के साथ गए, घोड़े कुत्ते, और एक 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 महीने में लाते वहाँ से। और कभी ऐसा समय भी आ जाता तो भूखे भी रहना पड़ता 12-13 दिन तक है ना। और अब तो गाड़ियाँ आ गई, अब तो सब धंधा छोड़ दिया। अगर हमको एक कम्युनिटी में रहना है तो कम्युनिटी की हेल्प करना ही वो हमारा फर्ज है। जो भी अपने क्लासमेट हैं या जो भी अपने पीछे के हैं तो उनसे उनको हमें सब एडवाइस देते हैं
इवन कि गांव में अगर कोई किसी को भगा के ले जाता तो वहाँ भी हेल्प करता हूँ कि भाई अपना टाइम देके चल तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद तब हम अपना पर्सनल देख लेंगे। दस सालों में हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पे। मेरे हिसाब से वो 2004 या 5 में ऐसे हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए थे, हम लोगों ने आंदोलन करा था कि हमें रोड चाहिए, हमें रोड चाहिए। तो हमने नीचे चेपना से रोड बनाने की खुद ही स्कीम प्रोजेक्ट कोई नहीं थी, आजकल सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तब उसके बाद मीडिया वाले आए, ये अखबार ये सब आए, तो उन्होंने देखा वास्तव में रिजल्ट ही क्या है। तो उसके बाद फिर उस मीडिया वालों की रिपोर्ट को देख के गवर्नमेंट को कुछ याद आई कि हाँ वास्तव में वहाँ काम करना है। रामनी तक वैसे 2011-12 जितना भी प्रोडक्शन है तो एक साथ इकट्ठे दे सकते हैं। अगर किसी की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको भी हम आसानी से मतलब उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। के युग में अगर आप लाइफ लाइन मानते हैं तो 3 चीज़ें मस्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड वाटर। 2010 हफ्ते में मंथ में एक बार दिख जाता था, अब लगभग ठीक ठाक। मोबाइल फ़ोन टावर इस्टेब्लिश हुए तो कम से कम 2008 समथिंग में आ गया था। पहले आपको मालूम है यहाँ अखबार भी नहीं, अब कभी कभी हफ्ते में या महीने में कभी कभी अखबार भी दिख जाता है, न्यूज़पेपर ना। अब कनेक्टिविटी होने से हमको करंट में इन दिल्ली हमारे जो रिलेटिव होंगे, जो हमारे फ्रेंड्स होंगे, इससे पहले यहाँ जो स्कूल था तो हम लोग पैदल ही यहाँ से घाट, गांव वालों की जो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जैसे हमने कहा रोड के हमने फाइट किया, तो ऐसे ही हमने आंदोलन स्कूल के लिए किया। अब उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी हम फोकस किया इधर एजुकेशन में, तो 2007 में हाई स्कूल बन गया। लेकिन घर के नज़दीक का स्कूल था, फिर उसके बाद थोड़ा इजी हो गया सबके लिए। पहले तो लिटरेसी 20% के करीब थी, आज लगभग आप 2000 और 2014 के बीच में आप, मैं तो ये कहता हूँ कि लगभग बिलो देन 40 ईयर्स लगभग 100% लिटरेसी है। अब आगे देखते हैं कि हमारा प्लान फिर उस स्कूल को इंटरमीडिएट तक करने का प्लान है। लड़के इधर किसको बैठा, तुम दूर 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 उठाओ, नरेंद्र खड़ा उठाओ। तो आज की जनरेशन और उस समय के जनरेशन में काफी डिफरेंट था। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली हमारा सोसाइटी भी अच्छा होगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट हम ही आगे बढ़े। मैं होप कि सब लोग अच्छा अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो सबका। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहले नहीं थी, रोड नहीं थी, फिर ये कम्युनिकेशन का कोई वो नहीं था, तो पूरी कम्युनिटी ने मतलब डिसाइड किया कि हमको इस प्रकार का रेवोल्यूशन करना चाहिए। अगर कम्युनिटी के सब लोग मिल बैठ करके ये विचार कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो मे बी वो वर्क सक्सेस होगा। पहले तो मेन हमारा जो उद्देश्य है कि हम वही पूरा करें कि एजुकेशन लाइन में ही जाने की कोशिश करें। डिफिकल्टी होती है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको फेस करना वहाँ भी ऐसे ही होगा।
डिफिकल्टी इन वे होती हैं, बट उसको फेस करते हुए आगे इंक्रीज करना तो शायद आगे फ्यूचर में उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मेरा नाम मकर सिंह है, मैं लगभग 32 साल का हूँ। ये मेरा ग्वाल का घर है, यहाँ हम सर्वे में रहते हैं शायद 6 महीने करीब। मेरी भी सारी फैमिली यहीं रहती है। ये मेरे सारे गोट्स, बफेलोज एंड काउ बुल्स सब यहीं रहते हैं। मैं मैरिड हूँ, मेरे एक लड़का, 2 लड़कियाँ हैं। प्रियांश अभी शिलोंग में रहता है, वो लोग